बनाने वाला है फ्रेंच टोस्ट, और हमको दो ईग चाहिए और मिल्क चाहिए। हम मिल्क के नेचुरल फ्लेवर के लिए हम वो डालेंगे, सेलेमन डालेंगे। दालचीनी डालेंगे, मिला देंगे, थोड़ा फ्लेवर आएगा। लोग भी आ करेंगे उसमें। उसके बाद थोड़ा सा वनीला स्प्रे भी डालेंगे, वनीला एसेंस। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमने इसमें सबसे पहले बटर डाल लिया है, आप देख सकते हो, आपको भी इतना बटर डाल देना है थोड़ा सा। आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, स्लो रखना है पूरा। ब्रेड को आपको सबसे पहले इस तरह से भिगा लेना है, आपको अंडा में अच्छी तरह से चारों तरफ से भिगा लेना है अंडे ब्रेड को अंडा में। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, जिसमें हमने बटर बटर डाला था जिस पैन में, उसको बटर लगा के इसमें हम इसको फ्राई करना है इस तरह से। दोस्तों आपको ब्रेड को अच्छे से पकाना है, दोनों साइड से स्लो स्लो में पकाना है। अभी दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से पक चुका है और हम इसको निकाल रहे हैं। अब देख सकते हो दोस्तों हमारा फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुका है और बिल्कुल पूरा खाने के लिए ये रेडी है। आप इसके साथ हनी के साथ इसको खा सकते हो, मीठा चाहिए तो आपको और भी कुछ आपको जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब खा सकते हो। देख सकते हो आप कैसा दिख रहा है।